कौन से रेसिपी की वीडियो देखनी है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं आजकल सब चूल्हे में बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम निषाद। हमने आपको बताया था कि हमारी मोटर खराब हो गई है, तो पानी में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पानी जल्दी से नहीं मिलता है क्योंकि बाहर से लाना पड़ता है। तो अब हम मोटर ले आए हैं, आज मोटर खरीद लाए, कल मोटर लगवाएंगे, तो हम वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। अभी आपने कढ़ाई पनीर खाया होगा, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई मशरूम, जितना भी आपने कढ़ाई का खाया है ना, वो सब आपने सुना भी होगा और खाया भी होगा। आज हम आपको कढ़ाई अंडा खिलाने जा रहे हैं। आज हम कढ़ाई अंडा बनाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि हम कढ़ाई में अंडा कैसे बनाते हैं, और वो भी चूल्हे में। आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया, हमें आशा है कि आप आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए कि हम कढ़ाई में अंडा कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले पहले तो मेरा किचन देख लीजिए, चौका देख लीजिए, पुता हुआ पड़ा है। आज ये लकड़ी मैंने थोड़ी तोड़ी थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ बाहर पेड़ लगा है ना समी का, तो ये ऊपर ऊपर सूख गया था, तो हमने इसकी लकड़ी तोड़ दी, ताकि जब अब निकलेगा ना तो नखा फूटेगा तो अच्छा, मतलब पेड़ फिर से हरा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में हरे आ जाता है पेड़। तो उसकी लकड़ी थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि लाओ तोड़ लेते हैं। तोड़ ली, तो अभी चलिए कढ़ाई पनीर बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं उसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है, मसाला भी हम पीस के लाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो में अगर। देखिए, ये 5 अंडे हैं और चूल्हे में उबल रहे हैं। ये अपना बिलना हटा दे, नहीं तो हमारा बिलना ख़राब हो जाएगा। देखो, ये 5 अंडे हैं, वो भी चूल्हे में उबल रहे हैं, वो भी खुले में। अब जब ये उबल जाएंगे तो इनकी सब्ज़ी बनाई जाएगी, और इनकी सब्ज़ी बहुत लाजवाब बनेगी, क्योंकि इनकी ग्रेवी इतनी गाढ़ी होगी। जैसे 5 अंडे हैं, तो हम मसाला बना के लाए हैं, कम से कम 3 प्याज डाले थे हमने। देखिए, ये देखो मसाला बना के लाए हैं। अभी तो केवल ये लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट है, टमाटर इसमें अलग से पड़ेगा। देखिए, 5 अंडे हैं, अब इनको हम चूल्हा जला के चूल्हे में पहले उबालेंगे, फिर इसी में अंडे बनाएंगे। लोग कढ़ाई पनीर बनाते हैं, हम कढ़ाई अंडा बनाएंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें चूल्हे का स्वाद आएगा ना, इसलिए ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कढ़ाई अंडा बनाने के लिए, सब्जी बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। कहते हैं इंसान को प्रकृति से कभी दूर नहीं होना चाहिए। तभी है कि इंसान कहीं का नहीं रहेगा। सदगुरु जी कहते हैं कि मिट्टी का स्नान करते हैं, पानी का स्नान करते हैं, दो चीज हो गई, धरती पे चलते हैं, तीन चीज हो गई, आकाश से हम धूप लेते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। देखिए, हमने आपसे बात करते करते अंडे उबाल लिए, वो भी चूल्हे में। अब अंडा बनाने का, कढ़ी बनाने के लिए देखो, 2 प्याज, लहसुन, 1 टमाटर, अदरक, हरी मिर्चा, ये सबका पेस्ट बनेगा, ताकि अंडा की करी बहुत अच्छी बने। जब भी अंडे की सब्जी बनाते हैं ना, तो वो बर्तन बहुत ज़्यादा महकते हैं। जब हम तेल गरम करें तो थोड़ा सा बेसन डाल देना चाहिए, उससे बदबू नहीं आती है और बर्तन भी नहीं महकते हैं। अंडे की महक बहुत ज़्यादा आती है, हमारी कलछुली बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि चूल्हे में पक रहे हैं ना, इसलिए गैस की आग है ना, तो केवल नीचे नीचे लगती है, और कढ़ाई चूल्हे की आग है तो पूरे सब जगह फैलती है, बाहर तक निकल के आती रहती है। देखिए, हमारे अंडे तल गए हैं। ना भूल गए, देखिए हैं, भूल गए, क्योंकि अंडे में छेद कर दो ना, कहते चाकू से छेद कर दो तो वो आवाज़ नहीं करते, फूटते नहीं हैं। अब इसमें मसाला डाल देते हैं, और पहले जीरा डाल देते हैं, थोड़ा जीरा निकालिए ऐसे, और जीरा डाल देते हैं। चूल्हे में कोई भी सब्जी बनाओ ना, बहुत अच्छी लगती है।
कि मन भर जाता है बनाते बनाते, बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्योंकि एक तो लोहे की कढ़ाई है, ऊपर से आग जल रही है, और लोहे की कढ़ाई जब गर्म होती ना तो उसमें कोई भी चीज़ पकेगी ना तो वो खुशबू देगी ही देगी। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, हम आप सब लोगों को बुलाते हैं, आप सब लोग आइए। और चने का साग, मिठौरी की कढ़ी, मशरूम मटर की सब्जी हम सब बनाएंगे। बस आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या खाना है, क्या पसंद है। कोना, मिट्टी का तवा जिसको कलिया बोलते हैं, उसमें रोटी बनाओ बहुत अच्छी लगती है। वो तो अभी हमारे पास है नहीं, हाँ जब खरीद लाएंगे तो आपको ज़रूर बना के दिखाएंगे कि उसमें कितना अच्छा बनता है। कि दूसरी जगह से भाग के लाते ना तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। आज मोटर ले आए हैं और कल लग जाएगी, फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ऊपर पानी नहीं आता। चूल्हे में जब सब्जी पकती है ना तो मोहल्ले वालों को भी खबर हो जाती है कि इनके यहाँ चूल्हे में सब्जी पक रही है, क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। गैस में क्या होता है ना, कुकर में हम लोग रखते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई रखते हैं, तो उसकी जो खुशबू होती वो नहीं आती। इसमें क्या है कि लोहे की कढ़ाई है और उसको और नीचे से चूल्हा जल रहा है, तो इसलिए उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसीलिए खाना ज़्यादा अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। आगे देखिए, ट्राई करके देखिए, स्वाद आएगा। कढ़ाई में और जीरा डाल दिया और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, अभी वो पक रहा है। फिर इसके बाद टमाटर डाल देंगे और गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा और थोड़ा सा नमक डाल के मसाला पका लेंगे, फिर सब्जी बना लेंगे। देखिए हमारी अंडे की सब्जी तैयार हो गई, कढ़ाई अंडा बन गया, कढ़ाई पनीर नहीं, ये देखिए कढ़ाई अंडा। ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी है, देखिए अभी ये आग जल रही है, कितनी लाल रखी हुई है, अभी और थोड़ा पक जाएगा और गाढ़ी हो जाएगी, धीरे धीरे पकेगी ना तो और अच्छी गाढ़ी बन जाएगी। देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई अंडे की सब्जी बनी है, इसका नाम ही कढ़ाई अंडा है। हमारी पानी आ रहा है मुँह में सब लोगों के, देखिए आग देखो कितनी अच्छी लग रही, लाल जल रही बिल्कुल। कुनार भाई क्या खा रहे, तो अभी तो अंडा टेस्ट करने के लिए खा रहे हैं, बाकी रोटी खाएंगे बाद में, रोटी सब्जी पूरा खाना डिनर बाद में करेंगे, पर अभी ये अच्छा लग रहा है। वाकई में लग नहीं रहा है कि ये अंडा खा रहे हैं, मुर्गे वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो इसका रसा है, क्या बोलते हैं, ग्रेवी है, ग्रेवी इतनी प्यारी गाढ़ी बनी और एक अलग ही टेस्ट है इसके साथ। चूल्हे के साथ जो महक है वो अलग ही लग रही है, वो आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, हम फाइव स्टार में भी नहीं मिलेगी, कहीं पार्टी में भी नहीं मिलेगी और ना गैस में मिलेगी। खाते तो है इंसान, गैस में भी खाता हूँ, फाइव स्टार में भी खाया, रेस्टोरेंट में भी खाया, पर जो ये टेस्ट इसमें आ रहा ना है, क्योंकि वो जो क्या डाले अपने मसाले डाले, बेसन भी डाला, हाँ जो मसाले का जो पूरा निचोड़ है, एक तरह से एक एक मसाला समझ में आ रहा है कि लौंग और क्या वो काली प्याज, क्या था वो बड़ी सी काली मिर्च थी नहीं, क्या था, बड़ी इलायची की महक आ रही है, वो खड़ा वो खड़ी लौंग काली मिर्च और लकड़ी और तेज लकड़ी, हाँ लकड़ी का टेस्ट आ रहा, तेज पत्ता, हाँ सब मम्मी भी जानती है, हम नहीं जानते, बस टेस्ट आ रहा है। मजा आया, कितने नंबर देंगे आप हमको इस अंडे को? मैं हर साल मतलब हमेशा ही खाना चाहूंगा, पर ठंडियों में बनेगा चूल्हे में, गर्मी में तो गर्मी लगेगी, इसको मैं 10 में से 12 नंबर देना चाहूंगा। थैंक यू। यहीं पर वीडियो को लाइक करिए, पूनम निषाद ब्लॉग को और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करिए, दिन भर काम करती है हमारे लिए और उसके बाद आपके लिए वीडियो भी बनाती है। थैंक यू। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए कुणाल निषाद जी ने बता दिया कि अंडे में कितना स्वाद आ रहा था, एक चम्मच तेल में कितने अच्छे कढ़ाई अंडा बन गए हैं, अंडा कढ़ाई की सब्जी बन गई है देखिए, और पक के इतनी खुशबू आ रही ना इसकी कि दो चार मोहल्ले वाले कहीं ना मांगने आ जाए, कहे कि पूनम हमको सब्जी दे दो, क्या बनाया आज तुमने, देखिए कितनी अच्छी बन गई है। तेल देखिए इसके आसपास, बताइए आप नॉन वेजिटेरियन, अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, ये तो हमें नहीं पता, आप बताइए आप क्या खाते हो, वेजिटेरियन अंडा खाते हो कि नहीं खाते? अंडा सभी लोग खाते होंगे पर कुछ लोग नहीं खाते होंगे, कुछ लोग अंडे को
क्या मानते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिट अच्छा अंडा नॉन वेज मानते हैं आप लोग, पर नॉन वेज होता नहीं है। अंडे में बहुत विटामिन होती है, बहुत प्रोटीन।